योगी सरकार के कद्दावर व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने भारत 24 के संवाददाता सुमित अवस्थी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने तमाम अहम बिंदुओं विस्तृत चर्चा की है और सभी सवालों के बेबाकी से जवाब भी दिए। आप सुनिए। भारत 24 पर आज हमारे साथ कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से अभी नगर निकाय चुनाव हुए, 17 की 17 सीटें बीजेपी के पास आई, क्या इसको सेमीफाइनल मानते हैं 2024 के लिए? नहीं, हमारे लिए हर चुनाव सेमीफाइनल है, हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। और नगर निगम में जिस प्रकार से शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी को हुई है, तो ये बात का प्रमाण है कि लंबे समय से, यानी लगभग 9 वर्ष से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगभग 6.5 वर्ष से जिस प्रकार से जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, जनता की भावनाएं हैं उनका सम्मान करते हुए एक भरोसा प्रदेश भर की जनता का जीतने काम किया, उसी को हमको लगता है कि चाहे आने वाला समय है, चाहे लोकसभा का हो, चाहे अन्य चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद प्रदेश की, हिंदुस्तान की जनता का मिल रहा है। मोदी जी पर, योगी जी पर लोग भरोसा कर रहे हैं और एक ऐसा माहौल देश के अंदर खड़ा हुआ है कि समाज का प्रत्येक वर्ग आज मोदी जी का। अक्सर जो देखा जा रहा है, वो 6 साल होने जा रहा है कड़े फैसले के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जा रही है। जिस तरीके से अपराधी हैं, अपराधी या तो लॉकअप के अंदर आ रहे हैं या फिर अपने जिले से बाहर जा रहे हैं, वहीं पर चाहे भू माफिया उनको बुलडोजर लगातार चल रहा है, तो क्या माना जाए कड़े फैसले लेने के पीछे कौन सी ऐसी शक्ति है जो मिल रही है आप लोगों को? जनता की शक्ति है, जनता आशीर्वाद दे रही है, जो होता है उसके ऊपर जनता मोहर लगाने का काम करती है। पहले नोटबंदी हुई, प्रधानमंत्री ने की, जनता ने आशीर्वाद दिया, GST आया, व्यापारियों ने आशीर्वाद दिया, धारा 330 जनता ने आशीर्वाद दिया, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, पूरे देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, CA कानून आया उसके ऊपर जनता ने आशीर्वाद दिया। यानी मोदी योगी जी का कोई एजेंडा नहीं है, उनका एक ही एजेंडा है कि 13 वैभव अमर रहे माँ, हम 3-4 रहना रहे, अपना कोई एजेंडा नहीं। देश के लिए, विकास के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं। ना कोई पुत्र है, ना परिवार है, ना घर है, कोई घर है तो प्रधानमंत्री के लिए 130 करोड़ भारतीय, मुख्यमंत्री जी के लिए 25 करोड़ भारतीय, उत्तर प्रदेशवासी उनके लिए काम करते हैं, उनका भरोसा है। उसी के कारण से कड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं, उन पर मोहर भी लग रही है और जनता का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। एक आखिरी सवाल, 2024 को लेकर के अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से इस बार कितनी सीटें? अभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, माने मुख्यमंत्री जी ने, माने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी ने, हमारे संगठन मंत्री जी ने, सभी ने 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का संकल्प लिया है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार काम में लगा है, धरातल तक हम लोग काम करते हैं, जनता में काम करते हैं। और इस बार पूरा बोल रहा 73 सीटें पहले जीत चुके हैं, उनका 65 सीटें जी आए। और जैसा गठबंधन का अपेक्षाएं हैं, गठबंधन का कोई गठबंधन नहीं है, कोई उनके ऊपर भरोसा जनता को नहीं है। भानुमति कुंभे जैसा उनका गठबंधन है जो बिखरना ही है, बिखरने से पहले, बनने से पहले बिखर जाता है। BJP एक संगठित पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, भरोसे वाली पार्टी है, सभी 80 सीटें जीत गए, इस संकल्प के साथ हम लोग काम करें। धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह मंत्री जी का साफ तौर पर कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें 80 की 80 सीटों पर वो विजयी होंगे। वहीं पर साफ तौर पर उनका कहना है कि जो भी कार्यकर्ता है, जिस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा है, उत्साह है, जिसके मद्देनजर आज जो मेयर के चुनाव हुए थे उसमें हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजय हुई थी, तो इसी तरीके से 2024 भी निश्चित तौर पर हम विजय प्राप्त करेंगे। सहयोगी देवाशीष के साथ सुमित अवस्थी, भारत 24।